स्टूडेंट्स, आज हम क्लास इलेवेंथ मैथमेटिक्स और क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन है, उसमें हम टॉपिक रिलेशन क्या होता है उसको हम डिफाइन करने वाले हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कराने वाले हैं। क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है और क्लास इलेवेंथ मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी का रिलेशन है। तो ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट इलेवेंथ क्लास के बच्चों को भी जानना बहुत ज़रूरी है और ट्वेल्थ क्लास के बच्चों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, मैथमेटिक्स के हर स्टूडेंट को रिलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप रिलेशन के बाद फंक्शन पढ़ोगे और फंक्शन तभी क्लियर होगा आपका जब रिलेशन क्लियर होगा। और पूरी मैथमेटिक्स में फंक्शन ही फंक्शन है। आप इंटरमीडिएट करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, हर जगह फंक्शन आएगा। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में अक्सर हायर क्लास के बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कि बेटा बताओ व्हाट इज रिलेशन, संबंध किसे कहते हैं, तो दाएं बाएं झांकने लगते हैं। जब मैं कहता हूँ व्हाट इज फंक्शन, तो दाएं बाएं झांकने लगते हैं। जबकि पूरी मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन पर बेस्ड है, इसलिए आपको रिलेशन को बड़े ही सीरियसली लेना चाहिए। और जब रिलेशन को आप सीरियसली लोगे तो फंक्शन को भी आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी, और जब समझे रहोगे तो मैथमेटिक्स समझना आसान होगा। जैसा कि लोग कहते हैं मैथमेटिक्स बड़ी मुश्किल चीज़ है, मुश्किल इसी वजह से होती है क्योंकि आपका बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। फिर मैं वो ये भी कहता हूं कि बेटा कोई भी टॉपिक आए तो उस टॉपिक की पहले मीनिंग समझ लो। वर्ड मीनिंग, व्हाट इज वर्ड मीनिंग। जब आप वर्ड मीनिंग समझ लोगे तो आपकी आधी समस्या हल हो जाएगी। अब यहां जैसा कि दिया हुआ रिलेशन, आप कहोगे सर रिलेशन कहां से आएगा मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में तो कैलकुलेशन होता है, नंबर्स होते हैं, फार्मूले होते हैं, ये रिलेशन माने संबंध, जिसको उर्दू में रिश्ता भी कहते हैं। तो ये वर्ड बहुत पॉपुलर है, तो मैं बताऊंगा ये रिलेशन को मैं पहले समाज से जोड़ूंगा, सोसाइटी से जोड़ूंगा, जो ऑलरेडी आप रिलेशन को जानते भी हो, क्योंकि जब कोई बात आती है तो आप जब एक दूसरे साथी एक दूसरे से बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई फला आदमी हमारा रिलेशन है, रिलेशन में है, या फला आदमी हमारा रिलेटिव है। रिलेट, रिलेटिव, रिलेशन। रिलेशन माने संबंध, रिश्ता, और रिलेटिव माने हमारे रिलेटिव है, माने हमारे रिश्तेदार है, हमारा संबंधी है। ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, हमने अपने डेली लाइफ में सब लोग यूज करते हैं, तो ये वर्ड सब यूज करते हैं, लेकिन हम इसको मैथमेटिक्स में लाने वाले हैं। तो कैसे लाते हैं, तो पहले मैं इसको इस रिलेशन को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, सोसाइटी से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं एक टीचर हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे और आपके बीच एक रिश्ता है, एक संबंध है, एक रिलेशन है। कैसा? स्टूडेंट और टीचर, आप स्टूडेंट हो मैं टीचर हूँ, कैसा रिश्ता है? पढ़ाने का रिश्ता है, टीचिंग का रिश्ता है, मैं पढ़ाता हूँ। बाप और बेटे का संबंध, माँ और बेटी का संबंध, भाई भाई का संबंध, एक दोस्त का संबंध। आप लोग क्लास में पढ़ रहे हो तो क्या हो, क्लास फेलो हो एक दूसरे को, क्लास फेलो होने का संबंध, क्योंकि आप पढ़ के निकलोगे ना, और कोई अधिकारी जब बन जाएगा तो कहोगे फला आदमी मेरा क्लास फेलो था, तो वहां क्लास फेलो होने का संबंध दिखाओगे तुम लोग। ये तो हो गई दो व्यक्तियों के बीच के संबंध को हमने जोड़ा। अब और मैं आता हूं दो संख्याओं के बीच संबंध। अगर हम संख्या दो लें और संख्या तीन लेंगे तो हम कहेंगे दो और तीन में एक संबंध है। क्या संबंध है? संख्या दो संख्या तीन से छोटी है। अगर हम कहें तीन और दो में क्या संबंध है, तो हम कहेंगे संख्या तीन
संख्या दो से बड़ी है। फिर अगर हम कहें कि रेखाओं के बीच संबंध, तो रेखाओं के बीच संबंध होती है, होता है। रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं, पैरेलल, रेखाएं परपेंडिकुलर यानी लंबवत भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमारा संबंध जो होता है वो व्यक्तियों के बीच ही ना होकर के संख्याओं के बीच भी होता है, रेखाओं के बीच भी होता है। इसलिए रिलेशन जो है मैथमेटिक्स में आया हुआ है। क्लियर? तो मैं पहले, इसका मतलब क्या हुआ, दो संख्याओं के बीच संबंध, यहां देखो दो संख्याओं के बीच यानी दो संख्या संबंध होने के लिए इसका मतलब क्या होगा कि दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। यहां पर दो और तीन में छोटा या बड़े का संबंध है, तो उसके लिए दो संख्या की जरूरत पड़ी। दो आदमियों के बीच संबंध, दो रेखाओं के बीच संबंध, दो समुच्चय के बीच संबंध, तो इसका मतलब हुआ कि संबंध कायम करने के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक है, तभी संबंध कायम होगा। अब जो है मैं इसको कैसे लिखा जाता है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो मैथमेटिक्स में वस्तु मीन्स वस्तु का अर्थ व्यक्ति भी होता है, संख्याएं भी होती हैं, रेखाएं भी होती हैं, है ना, ये डॉट 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 वस्तु मैथमेटिक्स में बहुत विस्तृत। स्थान भी होते हैं, क्या होते हैं, स्थान, डॉट डॉट डॉट, ये सब वस्तु कहलाते हैं। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, नंबर एक, संख्या दो छोटी है, संख्या तीन से, संख्या दो छोटी है संख्या तीन से, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज दो तथा तीन में छोटा होने का संबंध है। इसको ऐसे ले सकते हो, संबंध के लिए वर्ड रिलेशन है और रिलेशन में कैपिटल आर सिंबल लिया जाएगा। इसको लिखेंगे दैट इज टू इज रिलेटेड टू थ्री, दो जो है तीन से संबंधित है। वेयर आर इज इक्वल टू, अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे टू इज, वी रीड टू इज रिलेटेड टू थ्री बाय द रिलेशन आर, वेयर आर इज इक्वल टू, क्या रिलेशन क्या बताया गया, संबंध छोटा होना संबंध, आर इज इक्वल टू छोटा, इंग्लिश में कहेंगे लेस, एल ई डबल एस लेस। क्लियर? अब इसी को फिर ये भी कहेंगे सिंबल में, टू आर थ्री को टू कामा थ्री बिलोंग्स टू आर। अब ये टू थ्री हुआ, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, कर्मित युग्म कहते हैं। और पहला जो एलिमेंट है इसको फर्स्ट एलिमेंट, इसको सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, या फर्स्ट, इसको अवशीषा भी कहते हैं, भुज, इसको पोट भी कहते हैं, अवशीषा और ऑर्डिनेट, भुज और पोट। टू थ्री बिलोंग्स टू आर, आर वेयर आर इज इक्वल टू क्या है, छोटा होने का रिलेशन है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दो छोटा है तीन से, तो अगर हम कहें कि क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टू थ्री और थ्री टू, तो अब टू थ्री का मतलब क्या हुआ, जो डिफाइन किया गया है टू छोटा है तीन से, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, यहां हमने लिख दिया थ्री टू, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पहला वाला छोटा दूसरे वाले से, यहां भी हो जाएगा पहला वाला छोटा दूसरे वाले से, जो डिफिनेशन दी गई है, इसका मतलब हम टू थ्री डज नॉट इक्वल टू थ्री टू, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो डिफाइन किया गया है उसमें थ्री टू।
ये 3-2 नहीं हो सकता, क्योंकि 3-2 का मतलब हो जाएगा 3 छोटा है 2 से, फर्स्ट कंपोनेंट छोटा है जो हमने डिफाइन किया है, रिलेशन जो डिफाइन किया गया, क्लियर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कहें इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी पुत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, इंदिरा गांधी पुत्री हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू की। तो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में, इंदिरा गांधी के लिए हम शॉर्ट में IG लिखेंगे आसानी के लिए, और जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखेंगे JL लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इंदिरा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू में किसका संबंध है, पुत्री का संबंध है, रिलेशन है। इसको क्या लिखेंगे सिंबल में, IG इज रिलेटेड टू जवाहरलाल नेहरू, JLN, इंदिरा गांधी इज रिलेटेड टू जवाहरलाल नेहरू बाय द रिलेशन R, where R इज इक्वल टू डॉटर। कैसे पढ़ेंगे इसको हम, IG इज रिलेटेड, क्या लिखेंगे, IG इज रिलेटेड टू जवाहरलाल नेहरू बाय द रिलेशन R, where R इज इक्वल टू डॉटर यानी पुत्री। ये है IGR, इसी को लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, IG, JLN बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, अभी ऑर्डर्ड पेयर में हो गया, IG क्या है, पुत्री है किसकी, जवाहरलाल नेहरू की। तो अगर इसको हम ऐसे लिख दें, अगर ऐसे लिख दें JLN, यहां पर लिख दें IG, तो क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं इसको हम ऐसे लिख दें, ब्रैकेट में पहले लिख दें जवाहरलाल नेहरू और कामा करके लिखें IG, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला वाला तो क्या है पुत्री, तो ये पुत्री हो जाएगा इंदिरा गांधी क्या है, ये तो पिता है, अब यार क्या हो जाएगा, पुत्री हो गया। इसलिए हम इसको ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मीनिंग बदल जाएगी, क्योंकि हमने डिफाइन किया है, देयरफॉर IG कामा JLN डज नॉट इक्वल टू, क्लियर। इसका मतलब हुआ इंदिरा गांधी पुत्री है इतना, इसका भी मतलब हुआ ये पुत्री है इतना, इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर नहीं हो जाएगा, जैसे 2-3 डज नॉट इक्वल टू 3। चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, दो संख्याएं समांतर ले रहे हैं, माना दो रेखाएं L तथा M समांतर माने पैरेलल है, ऐसे ये रेखा L है, ये रेखा M, दैट इज
यल तथा यम में समांतर समांतर का संबंध है। इसको क्या लिखेंगे सिंबल में, यल आर यम। यल इज रिलेटेड टू यम बाय द रिलेशन आर, वेयर आर इज इक्वल टू समांतर। इसको क्या पढ़ेंगे, यल इज रिलेटेड, यल इज रिलेटेड टू यम बाय द रिलेशन आर, वेयर आर इज इक्वल टू क्या है समांतर, यानी पैरेलल, पैरेलल होने का संबंध है। फिर इस चीज को क्या ले सकते हैं, यल कामा यम बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, यल इज पैरेलल टू यम, यल जो है यम के समांतर है। तो आप ये बताओ यहाँ यल समांतर है यम के, तो क्या इसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि यम समांतर यल के है। जब समांतर है तो उसको कह सकते हैं कि यम भी, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर यहाँ एम एल भी बिलोंग टू, इंप्लाइज दैट एम एल बिलोंग्स टू आर। इस पोजिशन में क्या हो जाएगा कि एल एम इक्वल टू एम एल, यहाँ पर एल एम इज इक्वल टू एम एल हो जाएगा, नहीं दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं था, इसके पहले एग्जाम्पल नंबर वन लिया था उसमें भी ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर चार, लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ राजधानी है किसकी, उत्तर प्रदेश की। अब लखनऊ और उत्तर प्रदेश में क्या संबंध है, राजधानी होने का संबंध है, दैट इज अर्थात लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश में राजधानी, राजधानी का संबंध है। इसी को लिख सकते हैं, अगर लखनऊ को यल के वो शॉर्ट फॉर्म है लखनऊ का, और उत्तर प्रदेश का शॉर्ट फॉर्म है यूपी, आप जानते हो, इसको लिखेंगे LKO is related to R, ऐसे लिखेंगे LKO लखनऊ is related to उत्तर प्रदेश by the relation R, where R is equal to capital, लिखेंगे पढ़ेंगे LKO लखनऊ is related to UP by the relation by the relation R, where R is equal to capital, यानी राजधानी। अब इसी चीज को ऐसे भी सकते हैं, LKO कामा UP belongs to R, इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर पेयर हमने लिख दिया, लखनऊ और यूपी में एक संबंध है, कैसा संबंध है, राजधानी का, यानी लखनऊ पहला वाला राजधानी है दूसरे वाले का। तो अगर हम इसको लिखते हैं ऐसे, यूपी कामा LKO, तब क्या हो जाएगा, जो डिफाइन किया गया है कि यूपी राजधानी है लखनऊ की, तो क्या ऐसा होगा, इसका मतलब है ये ऑर्डर पेयर इसके बराबर नहीं होगा। देयरफॉर LKO कामा यूपी डज नॉट इक्वल टू, तो ऑर्डर पेयर बराबर नहीं होते, जो डिफिनेशन यहां पर डिफाइन की गई है इसलिए इसके बराबर नहीं होगी। क्लियर, ये तो हमने दो वस्तुओं के बीच संबंध को दिखा दिया, लेकिन आपको पढ़ना है दो समुच्चय के बीच संबंध पढ़ना है। तो समुच्चय क्या होता है, समुच्चय में भी तो
वस्तुएं ही होती हैं। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को ही समुच्चय कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। हमको यहां पढ़ना है वस्तुओं, आपको हमने बेसिक क्लियर कराने के लिए पहले दो चीजों को हमने लिया, दो वस्तुओं को लिया। हमको पढ़ना है एक्चुअली क्या है, दो समुच्चयों के बीच संबंध है। और समुच्चय क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है। अब हम वस्तुओं को लेकर के आपको ये रिलेशन समझाने की कोशिश करेंगे, फिर रिलेशन की डिफिनेशन भी देंगे। क्लियर? तो आपने सीख लिया कि दो वस्तुओं के बीच संबंध आपने देखा। अब हम बताएंगे आपको दो समुच्चय के बीच क्या संबंध होता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और समुच्चय क्या होता है? समुच्चय वस्तुओं का संग्रह होता है। अब ये पहले हम डिफिनेशन देते हैं इसकी, तो फिर एग्जांपल द्वारा उसको हम समझाते हैं। अब आ गए हम रिलेशन पर, संबंध पर, रिश्ता पर। तो हम इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिफाइन करेंगे। तो पहले लिखते हैं हिंदी में, यदि ए तथा बी, ए तथा बी दो आरिक्त समुच्चय, दो आरिक्त समुच्चय हो, तो ए से बी में संबंध आर, ए से बी में संबंध आर ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। That is, R is a subset of A cross B. A cross B का मतलब क्या हुआ? Cartesian product of set A and B. इसको इंग्लिश में फाइंड करेंगे, if A and B are two non-empty set, non-empty set, then relation from R A to B, then a relation from a relation R from A to B is a subset of A cross, then a relation R from A to B is a subset of A cross B, that is R is a subset of A cross B. क्या कह रहे हैं कि यदि A और B two non-empty set हो, आर एक उप समुच्चय हो, तो ए से बी में संबंध आर तभी कहलाएगा। ए से बी में, ए में क्या है? वस्तुएं हैं। बी में क्या है? वस्तुएं हैं। वस्तुएं क्या होती हैं? वस्तुएं आदमी भी होते हैं, वस्तुएं औरत भी होते हैं, वस्तुएं बच्चे भी होते हैं, वस्तुएं स्टूडेंट भी होते हैं, वस्तुएं गिनती भी होती है, वस्तुएं संख्याएं भी हो सकती हैं, वस्तुएं रेखाएं भी हो सकती हैं, यानी वस्तुएं बहुत ही बीस प्लस माइनस भी हो सकती हैं, यूनियन इंटरसेक्शन भी हो सकते हैं, यानी बहुत ब्रॉड मीनिंग है मैथमेटिक्स में वस्तु मीन्स। क्लियर? स्थान भी हो सकते हैं, नाम भी हो सकते हैं। तो एक सेट से दूसरे सेट में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन तभी कहलाएगा, एक सेट के वस्तु का दूसरे सेट के वस्तु से रिलेशन तभी कहलाएगा जब वो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी का सबसेट हो। एक रात भी माने क्या हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। क्लियर? कार्टेशियन प्रोडक्ट अब नहीं क्लियर है तो आप जाकर के जो है वीडियो बनी हुई है उस पर जाके देख लो या बुक में स्टडी कर लो। क्लियर? लेकिन तभी मैं बताऊंगा अभी। ये तो हो गई डेफिनेशन, इसकी हो गई। अब इसको एग्जाम्पल से आप समझोगे। एग्जाम्पल नंबर वन, फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल नंबर वन, माना ए इज इक्वल टू, अब हम सिर्फ दो सेट ले रहे हैं, खिलाड़ियों का समुच्चय, खिलाड़ियों का समुच्चय इस इज इक्वल टू, अब हम तीन खिलाड़ी ले रहे हैं पी वन पी टू पी थ्री, पी वन पी टू यानी सेट ए में तीन खिलाड़ी हैं, और दूसरा सेट ले रहे हैं इसमें खेल है, सामान है, यानी क्रिकेट, सी फॉर क्रिकेट, एच फॉर हॉकी, सी से क्रिकेट, पी फॉर प्लेयर, पी इज इक्वल टू प्लेयर, ये हो गया सी फॉर क्रिकेट, एच फॉर हॉकी। सेट बी में खेल है, सेट ए में खिलाड़ी है। अब ए से बी में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन को अब डिफाइन करेंगे हम। माना माना ए से बी, ए से बी में माने ए के अवयव का बी के अवयव से रिलेशन, तो रिलेशन क्या होगा, खेलने का रिलेशन होगा, में रिलेशन संबंध आर इज इक्वल टू, रिलेशन आर इज इक्वल टू डिफाइन कर रहे हैं हम, इसलिए माना लिखा है। तो मान लिया पहला खिलाड़ी, खिलाड़ी पहला क्रिकेट खेलता है तो आ जाएगा पी वन कामा सी, दूसरा खिलाड़ी हॉकी खेलता है तो हो जाएगा पी टू कामा एच। ये हमारा हो गया, हमने रिलेशन को डिफाइन कर दिया, संबंध को परिभाषित किया है। ऐसे रिलेशन बहुत से बन सकते हैं, अब हमको चेक करना कि ये रिलेशन जो हमने परिभाषित किया डिफाइंड किया रिलेशन है कि नहीं है, इसको चेक करना। चेक करने के लिए क्या है, ये फार्मूला है कि रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये रिलेशन डिफाइंड हमने किया अपने पास से, तो अब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। देखो ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे देख लो P1, P2, P3, क्रिकेट हॉकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए इसको भी खेल सकता है, इसको भी खेल सकता है, ए इसको भी खेल सकता है, इसको भी खेल सकता है, ए इसको भी खेल सकता है, इसको भी खेल सकता है, तो क्या बन गया P1C, P1 सी, फिर पी वन एच, फिर पी टू सी, फिर पी टू एच, फिर पी थ्री सी, फिर पी थ्री एच, ये हो गया। एक राश भी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट या एंड भी निकाल दिया कार्तीय गुणनफल। अब आप चेक करना है कि हमने जो रिलेशन ए से बी में डिफाइंड किया है, ए से बी में हमने जो रिलेशन डिफाइन किया है, ये रिलेशन आर सेट ए सेट बी पी वन पी टू पी थ्री क्रिकेट, क्या डिफाइन किया है कि पहला खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है और दूसरा खिलाड़ी हॉकी खेलता है, तीसरे के बारे में कोई चर्चा नहीं, तो पी वन से। अब ये रिलेशन है कि नहीं है, तो हमने कहा कि ये रिलेशन जो अगर इसके अंदर होंगे ये एलिमेंट तो हम कहेंगे वो रिलेशन है। अब देखो पी वन सी यहाँ है तो पी वन सी यहाँ भी है, पी टू एच यहाँ है तो पी टू एच यहाँ भी है, तो लिखेंगे चूंकि चूंकि पी टू क्या है, चूंकि रिलेशन आर, देखो पी वन सी और पी टू एच एक क्रॉस बी में है, तो लिखेंगे चूंकि रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ एक क्रॉस
क्यों? आर के सारे एलिमेंट एक राशि बी में मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन हमने डिफाइंड किया है वो रिलेशन है। क्लियर? दैट इज, इसी को लिखेंगे सिंबल में ए आर बी भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए आर बी। देयरफॉर आर इज ए रिलेशन फ्रॉम रिलेशन आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसको सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं आर, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सेट ए इज रिलेटेड टू बी। सेट ए से बी में रिलेशन है भैया, तो ए इज रिलेटेड टू बी। अब क्या पढ़ेंगे? ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, वेयर आर इज इक्वल टू प्लेइंग, खेलने का रिश्ता, खेलने का संबंध है। ए इज सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी बाय द रिलेशन आर, वेयर आर इज इक्वल टू खेलना, पी एल ए वाई एन जी, प्लेइंग, खेलने का संबंध। अब पी वन सी का मतलब क्या हुआ? प्लेयर वन क्रिकेट खेलता है, तो इसको ऐसे भी सकते हो कि पी वन सी इंप्लाइज दैट पी वन इज रिलेटेड टू, ऐसे भी सकते हो पी वन क्रिकेट खेलता है। ऐसे ही पी टू एच, खिलाड़ी पी टू हॉकी खेलता है। बात समझ आ गई? ये तो हो गया रिलेशन चेक करने का तरीका। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। तो यहां पर तो हमने जो सेट लिया उसमें एक में आदमी लोग थे और दूसरे में खेल था। अब मैं संख्याओं पर, क्योंकि संख्याओं पर ही ज्यादा फोकस आपको समझ में आएगा, दूसरा एग्जांपल में लेता हूं। एग्जांपल नंबर टू, दो सेट पे फिर ले रहा हूं। माना ए इज इक्वल टू, कोई नंबर ले रहा हूं, 1 2 3। बी इज इक्वल टू 4 5 6। अब फिर कोई रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूं। माना ए से बी में संबंध आर इज इक्वल टू, मैं डिफाइन कर रहा हूं आर इज इक्वल टू 1 4 1 4 और 2 5। ये रिलेशन हमने डिफाइन किया। आप भी कोई रिलेशन ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं एक ही बने। अब ये चेक करना कि ये रिलेशन है कि नहीं है ए से बी के बीच में। तो क्या करेंगे? ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 4 1 5 1 6 फिर कामा 2 4 2 5 2 6 फिर 3 4 फिर 3 5 फिर 3 6 ये हो गया। हमने एक राज भी निकाल दिया। अब क्या देखेंगे कि रिलेशन के जो एलिमेंट हैं, रिलेशन का पहला एलिमेंट 1 4 है और दूसरा एलिमेंट 2 5 है, क्या इसमें है कि नहीं है? तो 1 4 है यहाँ पर, पहला एलिमेंट इसमें है, दूसरा एलिमेंट 2 5 है, ये भी इसी में है। इसका मतलब क्या हुआ? ये रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ, लिखेंगे क्योंकि आर के सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, देयरफॉर आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जब आर सबसेट हो गया, इसका मतलब आर जो है रिलेशन होगा। देयरफॉर इंप्लाइज दैट
R is a relation. R is a relation. ऐसा relation, इसका मतलब कि सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो रिलेशन है. आर इज ए रिलेशन. अच्छा, आर इज रिलेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? तो हमने संख्याओं के बारे में बताया था, तो एक एक का बताया था. यहाँ पर तो ये सेट ए में कई लोग कई हैं, सेट बी में कई हैं. यहाँ पर देखो कैसा रिलेशन है, 1 4. तो अच्छा, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ए आर बी. A is related to set B by the relation R. क्या पढ़ेंगे? A is related to B by the relation R, where R is equal to less than. छोटा, कैसे छोटा भैया? देखो 1 4, यानी 1 छोटा है 4 से, 2 5, 2 छोटा है 5 से, ऐसे ही 1 6, 1 छोटा है 6 के, 2 4, 2 4 छोटा है 6 के, 2 6, 2 6 से छोटा है. यानी पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से छोटा है. यहाँ पे रिलेशन को लिखना, तो सेट ए और सेट बी को अगर लिखना हो तो ए आर बी लिखेंगे. जैसे हमने दो और वहां कंपेयर किया था कि संख्या 2 और 3 में क्या लिखा था कि 2 छोटा है 3 से, तो लिख दिए थे 2 is related to 3 by the relation R, where R is equal to छोटा. ऐसे सेट ए में कई एलिमेंट हैं, कई चीजें हैं, सेट बी में कई एलिमेंट हैं, तो इनमें क्या R क्या होगा? तो यहाँ पर भी देख रहे हो कि R जो है छोटा होगा. ऐसे यहाँ पर सेट ए में खिलाड़ी हैं, सेट बी में खेल हैं, तो कैसा संबंध है R का? खेलने का संबंध है. क्या संबंध है? खेलने का. T1C यानी पहला खिलाड़ी क्रिकेट खेल सकता है, T1H पहला दूसरा हॉकी भी खेल सकता है, दूसरा खिलाड़ी क्रिकेट खेल सकता है, लेकिन जो रिलेशन डिफाइन था उसमें 2 ही एलिमेंट थे, T1C P2H के. क्लियर? तो ए आर बी का मतलब हुआ. अच्छा, इसी चीज को 1 4 का मतलब क्या हुआ? 1 4 को ऐसे भी लिख सकते हो, 1 4 को लिख सकते हो 1 is related to 4 By the relation R, where R is equal to छोटा. ऐसे ही 1 5 is related to relation R, where R is equal to छोटा. इसको ऐसे भी सकते हो, 1 R 5. तो जो डिफिनेशन मैंने दिया था, यदि A तथा B दो आरिक समुच्चय हो तो A से B में संबंध R तभी होगा जब R जो हो A क्रॉस B का सबसेट हो. तो इत्तेफाक से हमने जो यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है उसमें जो रिलेशन डिफाइंड किया गया था वो रिलेशन सबसेट है A क्रॉस B के, इसलिए वो रिलेशन हो गया. अगर R सबसेट ना होता, तो सबसेट ना तो मतलब कि R के सारे एलिमेंट उसके अंदर ना होते, तब हम कहते कि जो है रिलेशन नहीं है. अगर ऐसे होता, जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है R डज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो इंप्लाइज दैट R इज नॉट रिलेशन. बात समझ आ गई? तो उम्मीद करता हूं कि रिलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा. इसके बाद भी अगर कहीं डाउट है आपको, कहीं शंका है, कहीं सुबह है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट बॉक्स जरूर लिखोगे. ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि जो रिलेशन डिफाइंड होता है तो उसका डोमेन क्या होता है, उसका को डोमेन क्या होता है, और उसका रेंज क्या होता है, और रिलेशन को कितने टाइप से लिख सकते हैं. अगले वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा.